लेटेस्ट अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमसे, सब्सक्राइब करें और सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। नमस्कार, मैं ममता सवी, इंडिया लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचारों पर। महाराष्ट्र सरकार ने स्वादिष्ट व सुगंधित तंबाकू, सुगंधित सुपारी, गुटखा, खर्रा पान मसाला, मावा जैसे पदार्थों पर प्रतिबंध लगा रखा है, फिर भी ये खुलेआम बिक रहा है। महाराष्ट्र ने सन 2012 में गुटखा व सुगंधित तंबाकू जैसे अन्य पदार्थों पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन दूसरे राज्यों से वाहनों और अन्य परिवहन साधनों से गुटखा लाकर स्थानीय बाजारों में चोरी छिपे बेचे जाते हैं। नवी मुंबई के उरण इलाके में 22 जुलाई को प्रतिबंध गुटखा कार से बरामद किया गया। प्राइवेट कार से गुटखा तस्कर इलाके में छोटे से लेकर बड़े दुकानों पर गुटखा पहुंचाते हैं, जिसे 22 जुलाई को उरण के एसटी बस स्टैंड के पास से इंडिया लाइव न्यूज़ की टीम की मदद से उरण पुलिस स्टेशन के ऑफिसर ने पकड़ा। गुटखा विक्रेता के नाम है सोमनाथ, सूरज गुप्ता, विजय, सुरेश गुप्ता, रफीक, आकाश चौरसिया, राजस्वामी, मयूर घरत, एकनाथ घरत, आकाश चौरसिया, राजस्वामी हैं। उरण पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम सोमनाथ बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि शासन प्रशासन के नाक के नीचे इतने बड़े पैमाने में ये गोरख धंधा फल फूल रहा है। पुलिस सिर्फ खानापूर्ति के लिए कार्रवाई करती है और फिर कुछ दिन बाद ये धंधा फिर से शुरू हो जाता है। ऐसे में पुलिस को इस पर सख्त से सख्त कदम उठाना होगा। मुमताज जवेरी की रिपोर्ट, इंडिया लाइव न्यूज, मुंबई। इंडिया लाइव न्यूज में खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। मुमताज जवेरी को दीजिए इजाजत, लेकिन आपसे चलते चलते गुजारिश विनती है, अगर आपके इलाके में कोई घटना घटित हुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इंडिया लाइव न्यूज चैनल @gmail.com पर, या हमारे वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं www.indialiveNews.co.in पर।